हमने परवरिश में भी बच्चियों के ऐसे हालात अपनाए हैं। मैं भी बताऊंगा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की परवरिश कैसी की। सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जेवर कपड़े या अपने जिंदगी गुजारने की कोई चीज नहीं तलब की। जिंदगी में एक ही बार वो आई थी गुलाम मांगने के लिए, तब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तस्बीह से नवाजा, तस्बीह दे करके भेजा, अपने काम खुद करना उन्हें सिखाया। आज हम अपनी बेटियों की तरबियत में क्या करते हैं, जब तक तुम्हारे घरों में बच्चियां हैं तुम लाड़ प्यार से खूब पालते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चियों के साथ नरम अच्छी मोहब्बत, उनके साथ शफकत व मोहब्बत जरूर होनी चाहिए, लेकिन उमूर खानादारी अगर तुमने उसे नहीं सिखाया, मेरे अजीजों जिस घर में ये ब्याह करके जाती है उसके शोहर का बाप उसके शोहर की माँ जितने भी अच्छे हों, लेकिन सास सास होती है, ससुर ससुर होता है, माँ और बाप तुम हो, फिर वहां उसकी तमाम चीजों को देखा जाएगा। अगर वह उमूर खानादारी में बराबर निकली तो वो लोगों की नजर में महबूब रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन अक्सर हालात ऐसे ऐसे बिगड़े हैं कि हमने अपनी बच्चियों को लाड़ और प्यार से पाला, कुछ भी नहीं सिखाया, न वालदैन के अदब और एहतराम सिखाए, न बड़ों के साथ गुफ्तगू करने के सलीके हमने सिखाए, न लोगों से मिलकर बात करने के अंदाज हमने सिखाए। बच्चियां खेलते खेलते ऐसी बड़ी हो गई, क्योंकि बाप की नज़र में 25 साल की बेटी भी जो है वो बच्ची ही होती है। अरे हमारी अभी तो छोटी बच्ची है, तुम्हारे लिए बच्ची है लेकिन दुनिया के लिए नहीं, बल्कि बच्चियां जब तुम्हारी 5 साल की हो जाएं उसी वक्त से तुम उसकी तरबियत की फिक्र करने लग जाओ, बल्कि इस्लाम ने उससे कबल तरबियत का तुम्हें सलीका दिया है। सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त अपनी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कफन पहना रही थी जब उनकी उम्र 3 साल की थी, 3 साल की उम्र थी उस वक्त, वो अपनी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कफन पहना रही थी। कोई बच्ची ये काम करेगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम काबा में आए हैं नमाज के लिए, सजदा कर रहे थे, एक जालिम वहशी दरिंदे ने ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर हुजूर की पीठ पर डाला, उस वक्त कोई नहीं देख रहा था, नन्नी सी ये फातिमा दौड़ती हुई आई, जब इनकी उम्र 5 साल की थी, 4.5 साल के बीच में, पूरी हुजूर की पीठ मुबारक अपने हाथों से साफ किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई भी चीज ना लगे, हजरत फातिमा तो 5 साल की उम्र में इसका ख्याल करती थी। अजीजा ने गिरामी वो तरबियत उस अंदाज से हुई थी कि उमूर खानादारी में वो पूरा कमाल रखती थी, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये बेटियां घरों में खाना बनाना खुद जानती थी। हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद घर पूरा चलाने की जिम्मेदारियां हुजूर की बेटियों के ऊपर थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तो 5 साल की उम्र से ही चूल्हा संभाला था, 5 साल की उम्र में, 5 साल में तो हमारी बच्चियां सिर्फ खेलती हैं ना। मेरे अजीजों यकीनन तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पर, इनकी तरबियत पर तवज्जो दो, आप अगर इनको सिखाने में कुछ सख्ती करते हो तो ये बच्चियां बाद में तुम्हें याद करके फख्र करेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमें जेवर अखलाक से नवाजा है। अगर तुम शादी में इन्हें जेवर नहीं भी दिए, अखलाक की दौलत दिया, तो फिर ये पूरी जिंदगी भर इस जैसी औरत कोई कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया वाले भी देखकर फख्र करेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको सोना चांदी अगरचे नहीं दिया लेकिन अखलाक का जेवर दे करके भेजा है। वो अखलाक के जेवर पर तुम तवज्जो करो। बच्चियां किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं बात करनी चाहिए ये सलीके बाप सिखाए। कहाँ हमारे पास वक्त है, हम अपनी बच्चियों को टाइम कब देते हैं? संडे टू संडे, बाकी सब तो हमारे जॉब पर चलते हैं, उस वक्त तो हम काम पर चले जाते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तब भी बच्चे खा करके सो चुके होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घरों में बच्चों के साथ अच्छे तरह से मिल बैठ करके तरबियत का कोई अंदाज मिलता भी है तो हफ्ते में एक बार संडे आता है, वो भी हमने देखा है कि बच्चे इसरार करते हैं कहीं पिकनिक पे चलो तो वो भी पिकनिक पे नजर हो गया, कहीं घूमने के लिए चले गए, तो इसी तरह से तो पूरी जवानी आ गई, तुम्हें खबर ही नहीं होती, एहसास ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए।
तुम्हारे सामने पलक झपकते ये खड़े हो जाते हैं, जवानी की उम्र में आ जाते हैं। इसलिए तवज्जो करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस घराने से मैं आज बात करता हूँ। अज़वाजे मुतहरात ने भी सबर का दामन थामे रखा, अखलाक तकवा हुजूर के घर में ऐसा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त सारी अज़वाजे मुतहरात को बुला रहे हैं। जिस दिन हुजूर की वफात हुई, जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ, सारी बीवियों को बुलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियों से पूछा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी जेवर है? किसी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसी आखिरी हालत में फरमाया, अगर तुम चाहो तो ये सदका कर दो, अगर तुम ये चाहो तो सदका कर दो, मशवरा दिया। अज़वाजे मुतहरात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना औरतों के लिए हराम हो गया? अब हम जेवर नहीं पहन सकती? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हराम नहीं है, जेवर पहन सकती हैं औरतें, लेकिन ऐ मेरी बीवियों, मैं ये चाहता हूं कि मैं रब की हुजूर हाजिर हो रहा हूं, मैं अपने रब की बारगाह में अब जा रहा हूं, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने रब से इस हाल में ना मुलाकात करूं कि मेरे घर में सोना चांदी पड़ा हुआ हो, मैं किसी चीज का मालिक बन करके मेरे मौला के हुजूर नहीं जाना चाहता, फख्र अल्लाह को पसंद है, मैं फकीर बनकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहता, रब तबारक ताला के हुजूर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन भी अज़वाजे मुतहरात को किस चीज की तलकीन फरमाई, यही माल और दौलत की मोहब्बत अपने दिल में ना रखो। मैं औरतों से आज थोड़ी देर गुफ्तगू करूं, अगर आज अगर देखें आप, औरतें अगर पैसे तुम्हारे जेब से लेकर बचा भी लेती हैं, किस लिए बचाती हैं? इनके शौक खाने पीने के कम होते हैं, बाहर जाकर के उड़ाएं, वो चंद होती होंगी, लेकिन अक्सर औरतों का शौक सोना खरीदना है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, और ये कोड़ी कोड़ी जमा करके खरीद भी लेती है, या तो किसी का शोहर उसको फोर्स करके, या माँ बाप को फोर्स करके, सोना चांदी जमा करो, पहनो मेरी बच्चियों, पहनो, जेवर तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया है, जीनत तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी कुल जिंदगी जेवर के लिए नहीं है, तुम्हारा असली जेवर तो तुम्हारी हया है, तुम्हारे अखलाक तुम्हारी असली जेवर है। ये जो हार है, ये जो कानों की बालियां हैं, ये चूड़ियां हैं, ये अगर टूट भी गई, फिर दोबारा किसी सुनार के पास जाओ बना लो, या पैसे मिल जाए तो फिर खरीद लो, सोना चांदी आते जाते रहते। एक बार अगर तुम्हारी इज्जत के जेवर पर दाग लग गया, कोई सुनार उसको ठीक करके नहीं देगा, फिर कोई बाजार में वो हया का जेवर नहीं मिलेगा, जिस हया के जेवर को आज ये बाजारों में बेचते फिर रही है। बच्चियां हमारी ना बहुत सारी ना समझ हैं, वो दुनिया के इस बहाव में बह जाती हैं, जब दुनिया ये कह रही है दुपट्टे निकालो, अपने बालों को लहराओ, दिखाओ लोगों को तुम दिखाने वाली चीज हो, इन जालिमों ने तुम्हें नंगा करने की ठान ली है। आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे वक़ार को इतना बढ़ाया है, हे मेरे अजीज़ो, आज भी हम अपनी बच्चियों को, बीवियों को, बहनों को क्या काला नकाब नहीं पहनाते? वही खिलाफ डालते हैं जिस तरह काबे पर काला खिलाफ डाला गया है। अजमत वाली चीज़ों पर हम पर्दा डाल कर रखते हैं, अजमत वाली चीज़ों पर हम खिलाफ डाल करके रखते हैं, इन औरतों को हमने मुकद्दस समझा है इसलिए ओढ़ा करके रखते हैं, ये नहीं कि हम इन्हें बांध करके पाबंद करके रख रहे हैं। तुम्हारी इज्जत, क्योंकि आज दरिंदे ऐसे हैं कि कौवे के सामने गोश्त रखो और फिर ये कहो कौवे को शरीफ बनना चाहिए, वो कैसे शरीफ बनेगा? आज यही कह रहे हैं ना, जब भी हम लिबास के बारे में बात करते हैं, कुछ टीवी के एंकर्स आकर के चिल्लाती हैं कट लिबास में, आप सिर्फ लड़कियों को बोलो, औरतों को बोलो, मर्दों को क्यों नहीं कहते कि अपनी निगाहें नीचे रखें? मेरे अजीजों, कुरान तो बहुत पहले ही फरमाया है कि मर्दों को निगाहें नीची रखें, साथ में तुम्हें भी कहा है कि तुम अपनी सारी चीजें ढाक करके रखो, इसलिए कि निगाहें नीची शरीफ आदमी रखेगा, और शरीर आदमी और बदमाश तो अपनी आंखें सिर्फ इसीलिए फैलाता रहेगा कि उसे कहाँ छीतड़े मिलेंगे, कहाँ उसको गलाजत मिलेगी। और तुम कौओं को अगर कह दो कि शरीफ बन करके रहो, हम गोश्त ऊपर खुला रखे हुए,
कितने कौवे शरीफ निकलेंगे। किसी से अगर तुम्हारी बिरादरी हो, ताल्लुक हो, तो वो कौवा हो सकता है गोश्त छोड़ के चला जाए, वरना तो कौवे के अंदर हिर्स है, लालच है, वो ठोक मारेगा गोश्त उठा ले जाएगा। आज हमारी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक अहम वजह ये भी है, इनका इजहार, मॉडर्न कल्चर। मेरे अजीजों, मेरी ये बात जो है नॉन मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो मुसलमान नहीं है वो भी इस बात को सराहते हैं। हकीकत हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मशरिकी कल्चर है, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत है। अगर तुम मॉडर्न कल्चर की बात करके मगरबी तहजीब को लाना चाहते हो, वेस्टर्न कल्चर, तो उसमें तो ये है कि माँ कौन है वो भी बच्चे को मालूम नहीं, बाप कितने हैं वो भी मालूम नहीं। उस कल्चर को तुम पसंद करते हो जहां गधे और बैल कुत्ते इतना नहीं जिना करते होंगे जितना मर्द और औरतें सड़कों पर करते हैं, क्या वो कल्चर तुम्हें पसंद है? जंगल की तरह, अगर जानवरों की तरह जीना पसंद है, तो फिर मुआशरे में रहने का मतलब क्या है? मेरे अजीजों, इस्लाम के अकदार को समझो। इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों से नवाजा है। मर्द यकीनन अपनी निगाहों की हिफाजत करें, लेकिन बच्चियां अपने जिस्मों को ढांकें, अपने जिस्मों की नुमाइश ना करें। हदीस पाक में है, जो औरत सिर्फ खुशबू लगाकर इसलिए निकलती है, खुशबू लगाना मना नहीं है, लेकिन उसकी नीयत अगर ये है कि बाजार में लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मेरी खुशबू को सूंघें, स्प्रे लगाकर, परफ्यूम लगाकर औरतें जिस तरह से चलें, हदीस पाक में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जिना करने वाली औरत है, कि उसने लोगों को जिना की दावत दी, कितनों की ख्वाहिशों को भड़काया, कितनों की निगाहों को ख़राब किया। ये मरकज़ गुनाह बन जाती है। और एक हदीस पाक में, अगर किसी अजनबी मर्द ने तुम्हारे जिस्म को बिला हिजाब छुआ, जिना बहुत दूर की बात है, एक औरत के साथ दूसरा मर्द अगर बगैर किसी शरई ताल्लुक के छुआ है, छूने की बात आई है, जिना की नहीं, छुआ है, तो उस औरत पर कब्र में अल्लाह ताला 99 सांप मुसल्लत करेगा। उसमें से एक सांप इतना कुव्वत वाला कि वो सिर्फ पूंछ अगर पहाड़ पे मारे तो पहाड़ फट जाएगा। वो उस औरत की कब्र पर सांप मुसल्लत किए जाएंगे। तो अपने जिस्म को किसी के हवाले हरगिज ना करो जब तक तुम्हारा निकाह ना हो जाए। अल्लाह ताला की अमानत हो तुम, हमारी बच्चियां ये दीन इस्लाम की अमानत है। बल्कि मैं तो कहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत तुम्हारे दुपट्टों के साथ है। तुमने अगर निकाल फेंका तो लोग सिर्फ तुम्हारे नाम को नहीं कोसेंगे, सीधे फातिमा जहरा की कनीज को भी कोसना शुरू करेंगे कि ये नाम इसका फातिमा है, नाम इसका आमिना है, नाम इसका खदीजा है, लेकिन इसका ताल्लुक अखलाक से कोई भी नजर नहीं आता। अजीजा ने गिरामी, मैं बच्चियों से कह रहा था, सोने और चांदी के इकट्ठा करने में जो दिनों रात लगाकर पैसे जमा करती, ठीक है जमा कर लिया, सोना भी जमा किया, चांदी भी जमा किया, पता है मैंने देखा है, और जब उसका इंतकाल हो जाता है घर में, पर्दा कर लिया गया, एक खातून का इंतकाल हो गया है, सबसे पहले घर की औरतें, बच्चियां हों उसकी या बहनें हों या उसके रिश्तेदार हों, आकर के सबसे पहले वही सोना निकालती हैं उसके कानों से, उसके गले से वो हार निकाल लेती हैं, उसके हाथों से वो चूड़ियां निकाल लेती हैं, पायल निकाल लिए जाते हैं। तुम्हारी रूह क्या निकली कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पूरा सोना तुमसे सल्ब कर लिए, जिसके लिए तुम कोड़ी कोड़ी जमा करते थे। लेकिन मुझे बताओ कि जिस बच्ची ने कुरान पाक की कोई सूरे याद की और उसकी रूह निकली, मजाल है पूरी दुनिया में कि कोई आकर के तुम्हारे सीने से वो छीन के दिखाए, निकाल सकता है कोई? तुम्हारे सीने में वो जो चीज महफूज थी वो कब्र में भी रहेगी। बल्कि हदीस बाक में ये है कि जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम समझा और उसके पास सीने में कुरान की कोई कुरान का कोई हिस्सा महफूज रहा, तो उस सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाएगी। दुनिया वाले तो छोड़े, यहां जिस जेवर के लिए आज बच्चियां हमारी जान तोड़ कोशिश कर रही, मैं कहता हूं खातिर खा जेवर अगर तुम्हें मिल जाए, एक मियाना रवि, बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा बखालत भी ना हो, अगर है तुम्हारे पास माल तो जितना तुम अपने स्टेटस को देखो, अपने दर्जात को देखो,
उसी एतबार से अपने जेवर को खरीदो और इस्तेमाल करो। मैं हराम भी नहीं कह रहा हूँ, औरतें ज़रूर अपनी बालियाँ पहने, चूड़ियाँ पहने, हार पहने, हम तो औरतों को जीनत के लिए ये तमाम चीज़ें दिला भी सकते हैं, लेकिन दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। इसमें इतना भी ज़्यादा ना हो कि कोई गरीब बच्ची देख करके ललचाने लग जाए, काश मेरे पास माल होता, मैं भी एक बड़ा हार ले लेती। ऐसा भी ना हो कि कई बच्चियां हमारे निकाह में चली जाती हैं, उनके पास एक छोटी सी बाली भी नहीं होती कान की। उनके लिए ऐसा वक्त ना आए कि तुम्हें देख करके वो अफसोस करने लगे। अजीजा ने गिरामी, मियाना रवि इख्तियार करें, दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस घराने में कभी ऐसा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तीन दिन तक, चार दिन तक किसी भी ज़ौजा मुतहरा के घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना ही नहीं बनता था, या तो वो रोजे से होती हो या तो फाके से होती हो, लेकिन शिकायत कभी नहीं करती। औरतें ये भी सीखें कि मर्द की तमाम हालतें हमेशा एक तरह की नहीं होती। आज जब तुम्हारा निकाह हुआ था, तुम्हारा शोहर नौकरी पर था, बिजनेस करता था, अचानक मंदी आ गई या फिर उसकी नौकरी छूट गई, तो क्या औरतें उस मर्द को छोड़ देंगी? औरतें उस मर्द को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएंगी कि अब ये कमाता नहीं है, कुछ पैसे नहीं लाता है? ऐसे कई मामलात हमने भी देखे हैं, 25 साल खिलाया लेकिन अब उसकी ताकत में कमी आ गई, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से अब काम काज नहीं करता, तो औरतें हर जगह जाकर के शोहरा करती हैं, मेरा शोहर नाकारा है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं कल ही पढ़ रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वजह से? हुजूर फरमाते, हुन्न यकफुरनल अशीर, वो अपने शोहरों की नाफरमानी की वजह से। पूछा कि क्या करती हैं वो शोहरों के साथ? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा अहसनत इहदाहुन अद्दहर, यानी जब तुम उनमें से किसी एक के साथ पूरा जमाना भर एहसान करो, जिंदगी भर तुम उसके साथ एहसान करो, फिर जब तुम में से एक चीज अगर उसको नहीं मिली तो कहती है कि मैंने तेरे साथ कभी भलाई देखी नहीं, तूने कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं मेरे साथ। ये जुमला औरतों का उन्हें दोजख में ले जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनका ये कहना कि तूने मेरे साथ कभी भला किया ही नहीं, वो दोजख में। ऐसी कितनी औरतों को देखें आप, वो यही कहते हैं कभी इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि खिला रहा है वो तुम्हें, जबकि वो कपड़े तुम्हें पहना रहा है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर रहा है। मायज ये है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात को उसने पूरा नहीं किया। ऐसे कई वाकयात हमारे सामने हैं कि गलत ख्वाहिशात औरतों की मर्दों को गलत रास्ते पर ले आती हैं। एक बहुत अच्छा नौजवान हमारा, हमारे पास नमाज पढ़ता था, मुक्तदी था हमारा, अचानक वो गायब हुआ, कई दिन तक नहीं था, और कई सालों के बाद उसको फिर दोबारा हमने देखा तो मालूम किया बहुत बुरी हालत है उसकी, शराब पीता है, बाहर कट्टों पर पड़ा रहता है, नेक आदमी था। उसको बुलवाया, पूछा क्या हालत है तेरी, क्यों ऐसे बन गया? वो रोने लगा और फिर उसने जो वाकया बताया, मैंने कई जगह पर इसको जिक्र किया, कहा कि मेरी शादी हुई, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मेरी बीवी से, और मोहब्बत से शादी किया था, शादी के बाद मेरी नौकरी थी अपने ही शहर में, लेकिन मेरी तनख्वाह पूरी नहीं हो पाती थी, मेरी बीवी के जो जो ख्वाहिशात थे मैं उसको पूरा नहीं कर पाता था, मेरी बीवी के लिए फिर मुझे अपना शहर छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ा, मैंने कोई बड़ी नौकरी की तलाश की, वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच करके जब मैं कमाने लगा थोड़ी ज़्यादा पैसे मिले और भेजता था, लेकिन घर में महीना होने से पहले ही वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर अखराजात के लिए मेरी बीवी मुझे पता नहीं कैसे कैसे ताने मारती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं कर्ज लेना शुरू किया, कर्ज में भी डूबा, टेंशन इतना बढ़ गया, घर पैसे भेजने का और इधर कर्ज खाहों का, इस असना में सिगरेट पीने लगा। लोगों ने कहा कि सिगरेट पियेंगे तो थोड़ा सा टेंशन कम होता है, पीते पीते यहाँ तक आदत लग गई कि नौकरी जिसमें जाता था वहाँ की नौकरी भी छूट गई, तो गम की वजह से दोस्त मिले ऐसे
कि उन्होंने शराब की लत लगा दी और शराब पी करके रात भर पता ही नहीं चलता था कि कौन सी नौकरी कौन सी बीवी, सब खत्म। और उसके बाद हालत ऐसी हो गई कि शराब पी पी पक करके उसके फेफड़े खराब हो गए, उसके गुर्दे सड़ने को आ गए, इतनी कसरत से उसने पी। उम्र उसकी 35 साल, 35 साल की उम्र में इतने सारी चीजें कर लिया। खैर उसके बाद उसकी हालत सही हुई थोड़ी सी, लेकिन उस खातून के मुतालिक मैंने नसीहतन उसके घर भी भेजा कि आप हमारे इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली मेरी बहन, एक मर्द के बिगाड़ने में या उसके बिगड़ने में तुम्हारी ख्वाहिशात का बड़ा रोल है। काश अगर तुम इसको ये कहती कि शराब और सिगरेट को हाथ मत लगाना, चाहे मुझे आधी ही रोटी क्यों ना भेजो, अगर ये कहती तो शायद तेरा शोहर आज इस तरह से गुर्दों की बीमारी में नहीं होता। आज उसकी बीमारी पर कोई देखने वाला नहीं है और वावेला करती फिरती है कि मुझे मिस्कीन बना डाला, कम उम्र में मुझे ऐसी नौबत पर ले आया। ये सारी वजह औरतें कभी कभार बन जाती हैं। मैं ख्वातीन से ज़रूर कहूँगा कि अपने शोहरों से तलब करें, तुम मोहब्बत के साथ सारी चीज़ें तलब करो, लेकिन इतना प्रेशर ना डालो कि वो हराम कामों की तरफ चला जाए, इतना प्रेशर ना डालो कि वो तुम्हारा शोहर हलाल को छोड़ करके फिर डाका जनी करने लग जाए, चोरी करने लग जाए। जाहिर सी बात है जिस शोहर की आमदनी 1000 रुपए हो, तुम 5000 का मेकअप सेट मांगोगी तो चोरी करके लाएगा ना, या तो फिर किसी को टोपी पहनाएगा, धोखा देगा, या तो फिर कर्जा लेकर के आएगा, शरीफ आदमी भी हो। ये ख्वाहिशात इतनी ज्यादा ना हो, इतनी ज्यादा ना हो, बल्कि इस्लामी लिमिट और शरीयत के दायरे में रह करके एक मुआशरती जिंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते। वो जिंदगी आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में। आकाए कोनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक बात सुन लीजिए आप। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, ये कौन से सहाबी, असहाबे सुफ़ा में से जो 70 सहाबा हुजूर की मस्जिद में हमेशा रहते थे, घर बार छोड़ कर के आए और सदक़े पर ये चलते थे, जो कुछ भी इनको सदका आता था वही खाते थे। एक बार 2 दिन तक कुछ भी नहीं आया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पेट पर रस्सी बांध लिया कि पेट खुला रहता है तो भूख ज्यादा लगती है, टाइट कर लो तो भूख कम लगती थी। फिर मैं निकला जाकर के हुजूर को दिखाऊं, उसी असना में हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे सुफ़ा में 2 दिन से कोई सदका ही नहीं आया, न खजूरें न दूध, और मेरा पेट जो है भूख की शिद्दत की वजह से सुकड़ता जा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उठा करके दिखाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर ने भी रस्सी से 2 पत्थर बांधे थे। कहा अबू हुरैरा, मैंने भी 3 दिन से तो कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने क्यों जिक्र किया, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चलो तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा, साथ में चलो। निकले, दोपहर का वक्त था, देखा बाहर मस्जिद नबवी के हजरत अबू बकर और हजरत उमर भी आए हुए थे। हुजूर ने उनसे पूछा कि कैसे बाहर आना हुआ, वो दोनों भी अपना पेट पकड़ कर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह भूख ने हमें बाहर लाया। हजरत अबू बकर तो ये कह रहे थे, भूख शिद्दत की लगी है तो इस वक्त बाहर क्यों आए। कहा, चेहरे रसूल देखते हैं तो भूख खत्म होती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखकर भूख को कम करना। ये वो सहाबा जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर चुके, यानी अदल और इंसाफ के एतबार से ये सहाबा फाका में रहते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को लेकर एक जगह की तरफ का कस्द फरमाया और हुजूर सीधे हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। ये मेज़बान रसूल हैं, जिस वक्त मेरे आका मदीने में उतरे थे तब भी पहले उनके ही घर पे उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर पर सीधे अंदर आए। कहा, अबू अय्यूब हैं? उनकी बीवी ने कहा, बाहर गए हैं काम पर। कहा, घर में कुछ खाना है? उनकी बीवी कहने लगी, अभी तो कुछ बना नहीं। इसी असना में उन्होंने बुलवाया अपने शोहर को, हजरत अबू अय्यूब भागते हुए आए। कहा, दोपहर के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर पर आना। और उन्होंने अपनी बीवी से कहा, 6 महीने की बकरी का एक बच्चा है, जल्दी ज़बह करो और उसे खिला देते हैं। उन्होंने बकरी को ज़बह किया,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सालन बना। कितने लोग थे? अबू बकर, उमर, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे हैं, सालन बना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं उस गोश्त के सालन की खुशबू आधी भूख ख़त्म कर चुकी थी। हजरत अबू अय्यूब ने जब वो सालन पेश किया दस्तरखान पर, सुनिए मेरे अजीज हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू अय्यूब एक और बर्तन हो, एक और कटोरी हो तो ले आओ। वो ले आए, सालन को हुजूर ने आधा आधा किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचाओ। आठ दिन से वो फाके में, फातिमा का नौवां दिन है आज फाके का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लखते जिगर से हिदाय कायनात, लेकिन उन्होंने एहसास तक नहीं होने दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते असहाबे सुफा का जो चबूतरा था कहाँ है जानते? हजरत फातिमा के घर से लग करके था, जहाँ ये असहाबे सुफा बैठते, बीबी फातिमा के घर से लग करके था। हजरत अबू हुरैरा कहते नौवां दिन फातिमा के फाके का है, हम दो दिन में सबर ना खाकर बाहर निकल आए, फातिमा के घर से चू की आवाज तक नहीं आती थी। वहां हसनैन करीमैन भी पल रहे हैं, मौला अली शेर खुदा भी हैं, उनका मस्जिद में आना जाना किसी को एहसास तक नहीं दिलाता था कि घर में कोई चीज की कमी है। ये अहले बैत का घराना है मेरे अजीजों, जितने भी इनके तस्किरे किए जाएं वो कम है। इन्होंने पूरी दुनिया को जीने का एक मिजाज दिया। आज सबसे ज्यादा अगर हम अपने अंदर की खराबियां खत्म कर सकते हैं तो दो चीजें, कनाअत इख्तियार करो, जितना मिले उस पर सबर, इसको कनाअत कहते हैं। आज रब तबारक ताला ने मुझे जो दिया है ये बहुत है, काफी है, ये एक बार कह करके तो देखो, मौला ताला बे इंतहा फिर तुम्हें नवाजता ही रहेगा। हर बंदा ये क्या कहता है, अभी बस नहीं हुआ। अरे इतने से थोड़ी ना चलता है, एक नौकरी करने वाला फिर आकर के कहता है हजरत और एक नौकरी करना चाहता हूँ खाली टाइम में, कहा इतने से काफी नहीं हो रहा है, कहाँ इतने से हो पाएगा मुंबई की महंगाई में, जबकि खाना पानी सारी चीजें चल रही है। कनाअत करने का अगर तुम्हारे अंदर मिजाज पैदा हो गया तो यही तुम्हारे इसी इनकम को अल्लाह ताला इतनी बड़ी बनाएगा कि तुम अपना घर चला करके भी कई लोगों को कर्जे देते रहोगे। बरकत इसका नाम है, बरकत कसरत का नाम नहीं। आप अगर ये सोच करके बैठे हुए कि अगर आपकी तनख्वाह आज 25,000 है और पड़ोसी की तनख्वाह 1,00,000 है तो ये मत कहना क्या बरकत है उसके घर। बरकत नहीं, उसके घर में कसरत है। कसरत यानी बहुत ज्यादा है, ज्यादा होने को बरकत नहीं कहते। अगर तुम 25,000 में खा पी करके किसी के मोहताज नहीं तो उस 1,00,000 से तुम्हारे 25 बेहतर है, तुम्हारे पास बरकत है। तो ये चीज अल्लाह की बारगाह में तलब करो कि मौला जितना तू अता करे उस पर मुझे सबर अता कर। या औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, बच्चों की तरबियत में एक खास अंसर ये जो हमारा होता है, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे बच्चे जो भी तलब करें फौरन उसको हाजिर कर दो। ये हम लोग चाहते हैं ना, कुछ लोग तो कहते हैं हमारी कमाई आखिर है किसके लिए, इन्हीं के लिए तो है, जो मांगे वो ला करके दे दो, जो तलब करे वो ला करके दे दो। ये बुरी खसलत बच्चों में हमने डाली। उसके बाद होता ये है कि बाप से तो मांग सकते हैं लेकिन फिर बाद में दूसरों से जब ये वही चीज मांगने लग जाते हैं उनके मुंह बिगड़ जाते हैं। कैसी औरत है ये कि सिर्फ मांगती रहती है, मुंह खुलता ही रहता है, क्यों? उसका कसूर क्या है? आज वो शोहर से जो मांग रही है उसकी आदत उसके बाप ने डाल कर रखी थी। वो बार बार पूछती थी, बाप हर चीज ला करके दे देता था। कभी कभार बच्चियों को ये भी सब्र सिखाएं, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बेटी को एक नहीं 10 खादिम दे सकते थे, मेरी फातिमा आयश से जिंदगी गुजार रहे। बदर के कैदी गुलाम बना करके दिए जा रहे थे, हजरत फातिमा को हुजूर 10 गुलाम दे सकते और सहाबा को एतराज क्या होता? जन्नती खवातीन की सरदार के घर में अगर 10 खादिम काम कर रहे फख्र से काम कर सकते थे, लेकिन हुजूर ने क्या कहकर के भेजा, फातिमा जाओ सबर करो, थकन ज्यादा हो जाए तो रात में तस्बीह पढ़ो। कभी कभार बच्चियों को ये भी तलकीन करो, हर दिन अगर अच्छे खाने की आदत हमारे पास है तो जानबूझ करके कभी हल्का खाना इन्हें खिलाने की आदत डालो, ताकि बुरे औकात में इन्हें सबर करने का सलीका आ जाए, बुरे औकात में इनको सबर करने का तरीका आ जाए। मुझे बात याद आती है,
मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, बचपन में खुद हमारे घर की हालत ऐसी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे वालिद मोहतरम बड़े आलिम दीन थे, लेकिन कई अवकात ऐसे होते कि हमारी वालदा को या बहनों को किचन में जाने से रोक देते कि आज खाना नहीं बनेगा, कोई खाना नहीं बनाएंगे, बाकी सारे लोग क्या खाएंगे। सारे लोगों को चूड़ा होता है उसमें केला पीस करके वही खिला देते, सख्त तरीन होता, चबाने के लिए कितना टाइम लग जाता। ये आज हमें एहसास होता है कि कभी कभार ये सख्त चीजें भी इनके हलक से उतारो ताकि जिंदगी गुजारने के इनको सलीके आ जाए, क्योंकि वक्त जिंदगी में हमेशा एक तरह नहीं होता। कभी तुम सब लुट गए, अगर कहीं तुम्हारे ऊपर अचानक गरीबी आ गई तो ये जो चटखारे लगे हुए जुबान के फिर क्या करोगे। रोज अच्छे खाने के जो मजे लगे हुए हैं, अचानक अगर तुम्हारे पास माल नहीं होगा तो फिर शैतान तुम्हारे अंदर ये कोशिश करने की ये आदत डालने की कोशिश करेगा कि चलो फला जगह चोरी कर लो तो तुम्हारी जुबान को सुकून मिल जाएगा। फिर आदमी अपनी लज्जतों के लिए या तो किसी को धोखा देता है या चोरी करता है। हत्ता के कई ऐसे लोग आज दुनिया में हैं जो अपने जिस्म बेचने का कारोबार भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिशात बड़ी हैं, उनकी ख्वाहिशात ज्यादा हैं। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, ऐ महबूब आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना लिया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। मेरी ख्वाहिश अगर आज रात फलां जगह जाने की है तो मैं जा करके रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। खुदा के लिए जो काम जिस तरह बंदा करता है वैसे कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए सबको छोड़ते हैं। माँ बाप चिल्लाते रहे रात भर, नहीं मेरी ख्वाहिश है आज जाना है तो जाना है। ये कई लोगों की जो ख्वाहिशात है उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, रब ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि ऐ नबी आप ऐसे लोगों की हिमायत करेंगे, हरगिज ना करना ऐसे लोगों की हिमायत, ऐसे लोगों की हिमायत ना करें। हुजूर को अल्लाह ताला मना फरमा रहा है जो सिर्फ ख्वाहिश के पीछे लगे रहते हैं, सिर्फ ख्वाहिश के पीछे। कुर्बान करो मेरे अजीजों, कुछ चीज़ों में सब्र करना सीखो। सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो लख्ते जिक्र है कि यहूदी औरतों ने एक बार प्लान बनाया, फातिमा के जिस्म पर जो कपड़े होते हैं वो पैवंद लगे होते हैं, कपड़ों पे भी पैवंद लगा रहता था, रसूल खुदा की बेटी है। यहूदियों ने औरतों ने एक दावत रखी और उसमें हजरत फातिमा को बुलाया खाने के लिए, नहीं वो कोई ऐसा ही कि उसमें सारे शहर की अच्छी खासी औरतें थी। हजरत फातिमा से कहा कि तुम आओ अपने इस्लाम की दावत दो, तो इस गरज से हजरत फातिमा को बुलाए, लेकिन उनकी नीयत क्या थी कि हजरत फातिमा के लिबास पर सारे लोग हंसे हैं, रसूल खुदा की बेटी कैसा लिबास पहन के आई, इसके पास पहनने को लिबास तक नहीं है। हजरत फातिमा ने मंजूर कर लिया, मैं आऊंगी जहां इस्लाम की बात होगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की बात होगी। रात को जब निकलने लगी, अल्लाहु अकबर, रिवायत में है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर जन्नती लिबास आया। जिब्राइल अमीन के ज़रिए से हज़रत फातिमा को हुज़ूर ने पेश किया। हज़रत फातिमा वो जोड़ा पहन कर क्या आई हैं, अल्लाहु अकबर। औरतें बताती हैं कि वो अंधेरे कमरे में आए तो पूरा रोशनी हो चुकी थी, वैसा लिबास हमने न कभी सुना था न देखा था। पूछा फातिमा से कि फातिमा हम तो आज किसी फंक्शन या दावत के लिए नहीं बुलाए थे, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिबास का मजाक उड़ाने के लिए आज दावत दिए थे, ये लिबास तुम्हारे जिस्म पर आया कैसे। हजरत फातिमा ने कहा, ओ खवातीन, जब कोई अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना चाहे अल्लाह ताला उनके मुंह पर ऐसे रद के लिए लिबास उतारता है कि फिर दुनिया में उनका कोई जवाब नहीं होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस लखते जिगर को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नती लिबास उतारा, उनके घर में जन्नती दस्तरखान उतरा। हत्ता के उस घराने की हालत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में बैठे हैं, अचानक मुस्कुराने लगे। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने की वजह क्या है। फरमाया, जिब्राइल वही लेकर के आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह,
या अहले बैत का घराना है, अगर इजाजत हो तो अंदर आओ। बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जत शान अहले बैत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की ये इज्जत है कि वहां जिब्राइल बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते थे। उस फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सादगी पर लाखों सलाम। लेकिन जानते हैं आप, सैयदे कायनात फातिमा तो ज़हरा की बात आज मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा करके रुख्सत होना चाहूँगा। औरतों को भी फिक्र क्या होनी चाहिए, बच्चियाँ अपने बाप अपने शौहर और अपने भाइयों की भी अगर आज फिक्र कर लें, बहुत सारी चीज़ों से ये आज़ाद हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाए। हो क्या रहा है कि बच्चियों को ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में कुल काम हमारा मकसद खाना बनाना, सुबह दोपहर शाम में बचे हुए कपड़े धुलना, हांडियां मांझना, उसमें से भी कोई वक्त बच जाए तो सीरियल देखना, इसके अलावा हमारा मकसद ही नहीं है। मेरे अजीजों, सैयदा कायनात फातिमतु जहरा का एक मकसद देखें आप। जानते हैं आप, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुख्तर नेक अख्तर जिनकी हमेशा तमन्ना क्या रहती थी, फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली से उनका निकाह तय किया तो मेहर मुकर्रर करने के लिए हुजूर ने खुद उनसे मशोरा किया, हजरत फातिमा से। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वफात के वक्त, आखिरी दिन है उनकी जिंदगी का, जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हैं, घर का सारा सामान सलीके से लगा रही, हसनैन करीमैन को नहला रही। हुजूर की वफात के सिर्फ 6 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ, उन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। 6 ही महीने के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हसनैन करीमैन को सारे काम करवा करके दे रही। हजरत अली जल्दी अंदर दाखिल हुए, पूछा कि फातिमा आज ये इतनी तेजी से काम क्यों रहे? कहा, मेरे शोहर नामदार रफीक हयात, मैं चाहती हूँ कि हसनैन करीमैन को आखिरी बार अपने हाथों से नहलाऊँ धुलाऊँ। मुझे मालूम नहीं कि मेरे बाद इन्हें अब कौन पहनाएगा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांसें आ गई। तो हज़रत अली ने गमनाक लहजे में देखा तो हज़रत फातिमा अंदर गई, एक ताक में से एक चिट्ठी ले आई, कहा कि ये चिट्ठी खोलना मत, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में ये मेरे सिरहाने पर रख देना, दफन कर देना इसको। मौला अली शेर खुदा रब्बा ताला ना अपनी इस रफीक हयात से हमेशा राजी रहे, हमेशा राजी रहे। हजरत फातिमा से कहते, फातिमा क्या ये राज मुझे भी नहीं बताओ, इस चिट्ठी में क्या है, क्या लिखा हुआ है? सैयदा फातिमा जहरा रब्बा ताला ना फरमाती, ऐ मेरे सरताज अली मुर्तजा, जब आपसे मेरे निकाह की बात हो रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, कहा फातिमा अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अली अखलाक में बहुत बुलंद है, अली तहज्जुद गुजार है, तकवा शियार है, क्या मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ करूं? और महर में अली को मैंने 400 मिसकाल चांदी की बात की है, क्या तुम इस बात से राजी हो? बाप अपनी बेटियों से पूछे निकाह के मुतालिक, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब यह जिक्र किया, सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा ने अर्ज किया, आका अली से निकाह तो मंजूर है लेकिन महर ये मंजूर नहीं, महर ये कम है, 400 मिसकाल इस जमाने के बहुत हो जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा तुम महर में क्या चाहती हो बताओ, मैं अली से मुतालबा करूँ। हज़रत फातिमा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरा निकाह अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ फातिमा, मैंने ख्वाब में देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैं अपनी बेटी का निकाह फातिमा का निकाह अली के साथ करूँ। तब हज़रत फातिमा कहती हैं, तब तो फिर महर ज़्यादा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निकाह का मामला फरमा रहा है। तो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 400 मिसकाल चांदी नहीं, फिर पूछा क्या महर चाहिए? हजरत फातिमा कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला से आप गुजारिश फरमाएं कि अली का निकाह फातिमा से इस महर पर हो कि रसूल पाक की उम्मत की बख्शिश लिख दी जाए, आपकी उम्मत की मगफिरत लिखी जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आप दीदा हो गए, रब ताला के हुजूर सजदे में गिर गए।
اے رب ذل جلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں، اے علی اس چٹی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہوں؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے، تار تار کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں، ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینہ کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا، میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے، اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا، وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے، میرے آقا رب ذل جلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ ایک بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے، مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے، ہم گنہگاروں کی تسبیح، آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔
वो रसूल पाक हम जैसे निकम्मों को मांग रहे थे, मौला बाद में आने वाली उम्मत मेरे हवाले कर। कुर्बान जाओ उस नबी के सजदों पर कि हमको हुजूर ने सजदों में मांगा। सैयदा फातिमा की बार बार इसरार पर हुजूर ने सर नहीं उठाया, सैयद कायनात ने सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा आपसे वादा करती है आज के बाद से मौला ताला जितनी भी मुझे हयात देगा, जब तक की जिंदगी देगा, कसम है रब्बे जुलजलाल की, फातिमा कोई रात नहीं सोएगी, सिर्फ आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगी, सिर्फ मैं आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करूंगी। हुजूर पाक ने जब उनसे ये सुना तो अपना सर उठाया, फातिमा को देखा कि मेरी उम्मत की बख्शिश का दर्द ये भी रखती है। मेरे अजीजों, एक बेटी की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपनी बाप अपने बाप की फिक्रों में साथ दे, बाप जिस तरह की फिक्र में है उसी फिक्र में वो लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस लखते जिगर ने उम्मत का बोझ अपने ऊपर उठाया। और फिर रिवायात ये बताती है, रात के बाद वो खुद सजदे में जाती थी तो इधर बिलाल हबशी की अजान हो जाती थी फज्र की, तब तक वो सजदे में रहती थी। ऐसी महवियत का आलम होता था कि वो कहती थी सर उठा करके कि रातें बहुत छोटी हैं, मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता। उस सैयदा कायनात फातिमतु जहरा, लाखों सलाम हो, लाखों करोड़ों दुरूद हो उनकी तुर्बत अनवर पर। जिंदगी गुजारने के हजार सलीके हमारे घरों को दिए हैं। और याद रखो, आज मेरी बहनों और बच्चियों से जरूर कहूंगा, जितना करबला तुम सुनोगी सब फातिमा की गोद से निकले हुए शहजादों का ही करबला है। पूरी दुनिया को अगर किसी ने हसन दिया है तो जहरा ने दिया, पूरी दुनिया को इमामत का बादशाह हुसैन अगर दिया है तो फातिमा ने दिया है। पैर से अपने झूला झुलाती थी, हाथ से रोटियां बनाती थी, हाथ से रोटियां बनाते पैर से झूला झुलाती, उस झूला झुलाने के वक्त भी कई आयतें हैं पढ़ती रहती थी, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका, कभी यासीन वल कुरान हकीम, ये कुरान की सूरतें तिलावत हो रही है, हसनैन करीमा इनको झूले झुलाए जा रहे हैं। यहां तो हम गाने फला फला चीजें गा करके बच्चों को सुलाने की आदत डालते, हसनैन करीमैन ने तो अपनी माँ से कुरान की लोरियां सुनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये घराना जो पूरे दीन इस्लाम को बचाने का जामिन है। देखिए आप हुजूर जब नजरान के ईसाइयों के साथ मुकाबले के लिए भी चले थे तो इन्हीं घर वालों को लेकर चले थे। मैं कल अहले बैत के जिक्र में अर्ज करूंगा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये दुनिया से गई भी है तो इस शान से गई है, हजरत अली से वसीयत किया था कि ए अली मेरी मौत हो जाए तो ज्यादा शोहरा मत करना, मैंने अपने पर्दे की बड़ी पाबंदी की है, रात के वक्त जनाजा निकालो ताकि जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। कुल मिलाकर रिवायात सहीहा ये बताती हैं कि आपके जनाजे में और आपके कब्र के दफन में 8 लोग थे, वो सिर्फ खानदान वाले थे, हजरत अली हसन हुसैन रल्लाहु ताला, हजरत अब्बास रल्लाहु ताला और दीगर कुछ साहब जो अहले बैत में से थे, यही लोग रहे। सैयदा फातिमतु जहरा रल्लाहु ताला अन्हा को रात के वक्त दफन किया गया। अब आखिरी हदीस सुन लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ मेरी बच्चियों, आज अगर तुम ये कोशिश कर लो कि कल मैं फातिमा जहरा की चादर के साये तले कयामत में उठाई जाऊं, इतनी भी अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मुबारक हो तुम्हें। हदीस सुन लो मुझसे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत का मंजर होगा, अहले महशर अपने हिसाब किताब में मसरूफ होंगे, सबका हिसाब किताब चल रहा होगा, तपती हुई गर्मी, वो तांबे पीतल की जमीन, लोगों में नफसा नफसी का आलम, अचानक एक मुनादी एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमर्रु इलल जन्ना, ए महशर के मैदान में खड़े होने वाले लोगों सब अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। 70,000 औरतों के झुरमट में हजरत फातिमा जन्नत में जा रही होंगी। कयामत के दिन भी हुक्म होगा कि निगाहें नीची करो, निगाहें नीची करो, शान वाली फातिमा जा रही है, रसूल पाक की घर वाली जा रही है।
मेरे अजीजों आज बच्चियों को ये वाकयात सुनाएं, अपनी बहनों को ये सीरतें सुनाएं, ताकि उनके अंदर इफ्फत हया और जज्बा हिजाब पैदा हो। बेहया औरतों के किस्से सुनाओगे तो बेहया बनेंगी, गंदे सीरियल और गंदे फिल्मों को दिखाओगे तो वैसे ही बनने की आदतें आएंगी। कभी कभार मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, पूरी जिंदगी टीवी पर ना गुजारें, थोड़ा कभी कभार सीरत फातिमा को पढ़ लिया करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों की सीरत पढ़ लिया करें। याद रखना, अगर तुमने सीरत भी पढ़ ली, आज हसन और हुसैन नहीं सही, गुलाम हसन और गुलाम हुसैन तो जरूर पैदा होगा। तुम्हारी गोदों में नौनिहाल आएंगे जो उम्मत की इस्लाह का काम करेंगे। मैं दुआ करता हूँ बारगाह रब्बुल इज्जत में, खुदाया बहक बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। ए रब जुल जलाल, रसूल पाक के इस सखी घराने से हम सब की मोहब्बतों को हमेशा कायम दायम रख। मौला राफजियों से खारजियों से हम सब की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह की इस आल जिसके जिस आल में हर बच्चा नूर वाला बच्चा है, मेरे मौला उस घराने का फजल, उनका साया, उनका करम हम सब के सरों पर कायम फरमा। रसूलुल्लाह के घर वालों की बरकतें हम सबको नवाज दे। हमारी बीवियों को, बच्चियों को, माओं को, बहनों को इफ़त हिजाब हया अता फरमा दे। ए करीम खुदा रहमर रहमी, जितने इस महफिल में हाजिर हैं और जो दूर से सुन रहे हैं, बच्चियां, औरतें, घरों की ख्वातीन, सबको मौला चादर जहरा अता फरमा दे। क़यामत के दिन मौला हमारे घर वालियों को सबको उस फातिमा जहरा की झुरमट में जगह अता फरमा दे, जिस झुरमट में फातिमा तो जहरा रब्बा ताला ना जन्नत की तरफ जा रही हो, उसी झुरमट में मौला हमारी माओं, बहनों और बच्चियों का हशर फरमा दे। ए करीम खुदा, आज पूरी दुनिया को फिर से फातिमा की ज़रूरत है, जो ऐसी गोद से हसन हुसैन पैदा करे, जो करबला के वाक़यात के बाद फिर से इस्लाम को ज़िंदा करे। मौला हम सबको ऐसी ख़वातीन अता फरमा, ऐसे इस्लाह करने वाले बच्चे अता फरमा, हमारे मुआशरे को नज़र बद से महफूज फरमा। करीम खुदा हमारी मजलिसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी इस मजलिस को हमारी नजात का ज़रिया बना दे। क़यामत के दिन इसी मजलिस को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। उम्मत मुस्तफ़ा की खैर हो। मौला दुश्मनान इस्लाम को तू तबाह बर्बाद फरमा, उनके नापाक मंसूबों को तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिर्क का मुँह काला फरमा। ऐ रब जुल जलाल, हमारी दुआओं को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अलिही व असहाबी अजमईन व आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।